जिला बनाओ अभियान समिति के आह्वान पर लगातार जिला बनवाने के लिए क्षेत्रवासियों में जागरूकता पैदा हो रही है। इसी बीच लटेरी से आए प्रभात जोशी ने सोन पुराने बस स्टैंड पर 2 दिन का मौन धरना दिया। वहीं जिला बनने के समर्थन में कई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता, समाजसेवी और कई दलों के नेताओं ने अपना समर्थन दिया। समिति के महामंत्री कपिल त्यागी ने कहा कि हम लगातार संघर्ष जारी रखेंगे, जब तक हमारा सोन जिला नहीं बनता हम सब एक दूसरे के साथ कांधे से कांधा मिलाकर सोन को जिला बनवाने के लिए साथ चलेंगे। देखें भाजपा कांग्रेस नेताओं को किसने क्या कहा। सोन जिला बनाओ अभियान समिति के आह्वान पर लगातार धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं, ज्ञापन दिए जा रहे हैं, नुक्कड़ सभाएं की जा रही हैं। इसी के बीच 2 दिन का धरना प्रदर्शन पुराने बस स्टैंड पर किया जा रहा है प्रभात जोशी जी द्वारा। लटेरी के रहने वाले हैं ये और लगातार बैठे हुए हैं यहाँ पर। आज हम इनसे मालूम करना चाहते हैं कितना समर्थन मिल रहा है आपको। सोन की जनता का समर्थन भरपूर है, लटेरी सोन से लगातार लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, धरने का समर्थन कर रहे हैं और जो लोग नहीं आ पा रहे हैं वो भी उनका दिल से समर्थन है। मजबूरियां हैं लोगों की जिसके तहत वो नहीं आ पा रहे हैं, मगर समर्थन पूरा है। क्या उम्मीद है आपको? सोन बिल्कुल जिला बनेगा और जल्दी घोषणा होगी। कब तक हो जाएगी घोषणा? देखिए, सरकार पर हमको पूरा विश्वास है, मुझे लगता है कि फरवरी मार्च से पहले घोषणा होना चाहिए। अच्छा, आप भारतीय जनता पार्टी से भी आते हैं, अगर 2023 के चुनाव से पहले घोषणा नहीं हुई तो क्या रहेगा आपका? भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और रहेंगे, वो तो रहेंगे। अगर घोषणा नहीं हुई तो जिले के लिए क्या योगदान रहेगा? जिले के लिए तो भरपूर समर्थन रहेगा। मेरे दादाजी ने भी 1952 में ये अभियान चलाया था, तब से लगातार सभी लोग ये अभियान चलाते चले आ रहे हैं। अभी भी सारे सामाजिक संगठन सभी लोग ज्ञापन दे रहे हैं, सब अपना अपना प्रयास जारी रखे हुए हैं। मुझे बिल्कुल पूरी आशा और विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जन भावनाओं को समझे। 1952 या 1992? 52। कोई बताता है कि 1956 में जिला था ये? नहीं, ये 56 से पहले जिला था, 52 से पहले जिला था, 56 में नहीं था। हमारे साथ और भी अशोक खत्री जी मौजूद हैं, लगातार समर्थन दे रहे हैं सोन जिला बनाने के लिए। हम इनसे मालूम करना चाहेंगे आगे क्या भूमिका रहेगी आपकी। ये हालांकि कांग्रेस से आते हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, कई साल चप्पल भी नहीं पहनी इन्होंने अपनी पार्टी को वापस लाने के लिए, अब क्या है? देखिए, सोन के चहुंमुखी विकास के लिए जिला जरूरी है, क्योंकि पूर्व में भी जिला था और आज जिला बनना चाहिए। और मेरा तो आम जनता से, समस्त राजनीतिक दलों से ये कहना है कि जैसे महाभारत में कहा गया है कि वो 100 और हम 5 और कोई से अड़ जाए तो 105। आज सोन जीत का मामला है और हर व्यक्ति कसौटी पे उतरने की जरूरत है। किसी भी दल के लोग हैं, बहुत टिकट मांग रहे हैं विधानसभा के हर प्रकार के। अगर टिकट मांगने वाले जनता के बीच में आके जिला बनाओ की बात करेंगे और टिकट मिल जाए तो सफलता मिलेगी, और नहीं, इस जंग में नहीं आए तो ये समझ लो कि सभी का भविष्य अंधकारमय है। इसलिए कोई राजनीति की चर्चा ना करते हुए कि यह बात सबकी है, 2-4 दस की नहीं। हमारे साथ एक और वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, इनसे पूछना चाहेंगे हम कि आपका क्या योगदान है, वो क्या रहेगा? देखिए, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, एक आदमी कुछ नहीं कर सकता इसमें। और मैं जहाँ तक देख रहा हूँ कि कुछ परोक्ष रूप से, कुछ अपरोक्ष रूप से जनता साथ है, क्योंकि कुछ लोग डरते हैं किसी से, इसलिए सामने आकर समर्थन नहीं दे रहे। वो जिला बनने से बेरोजगारी हटेगी, गरीबी हटेगी, ये यहाँ के लोगों का अच्छा विचार है, इसको सरकार को सुनना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में सरकार जरूर सुनेगी। सोन जिला बनाओ अभियान समिति के आह्वान पर यह धरना प्रदर्शन हो रहा है। प्रभात जोशी धरना प्रदर्शन कर रहा है, उनका कहना है कि समर्थन सभी का मिल रहा है और लोग आ रहे हैं, आप भी आए, आप कहाँ तक साथ हैं?
साथ है, शुरू से लड़ाई में साथ है और अभी तक साथ देंगे। कोशिश यही है कि सरपंच को जिला वाले ताकि आने वाले समय में एक नई विकास धारा से जुड़े। और विकास किसको पसंद है, सभी लोगों को अच्छा लगेगा अगर जिला बनता है। कांग्रेस पार्टी द्वारा अभी फिलहाल में तो नहीं, लेकिन पहले तो कई बार ज्ञापन भी दिए सरपंच को जिला बनाने के लिए, और दुर्भाग्यपूर्ण राज्य बन नहीं पाया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र उपाध्याय जी का साफ कहना है कि साथ हैं समर्थन में। एक और कांग्रेस का वरिष्ठ नेता मौजूद है हमारे बीच, अशोक त्यागी जी, इनसे मालूम करना चाहेंगे कहाँ तक सहयोग है। लड़ाई की शुरुआत में साथ हैं, अंत तक साथ रहेंगे। अभी श्रोन से कोई इतना कांग्रेस का माहौल दिख नहीं लिया, कोई ज्ञापन या कांग्रेस जो भी जिला बनाने का जो विषय है उसमें सिरोंज में सारे दलों के कार्यकर्ता और समस्त सामाजिक संगठन इसमें साथ। तो कांग्रेस के नाम से ज्ञापन दे या एक जिला बनाओ मंच के माध्यम से दे, ज्ञापन तो एक ही पहुंचना है। तो हमें ऐसा जरूरी नहीं लग रहा कि कांग्रेस के नाम पर भी दें। कांग्रेस के कार्यकर्ता जब इस मंच पर जोशी जी के साथ हैं तो ज्ञापन क्या है, जो जोशी जी का ज्ञापन है वो कांग्रेस का ज्ञापन है। जाता है ऊपर अपन, अगर लगता है कांग्रेस पार्टी के साथ है, अभी क्या है या अफवाह आ रही है कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जो है साथ नहीं है कहीं ना कहीं। नहीं नहीं, सारे लोग साथ में हैं, और अगर ज्ञापन देना ही है तो उसमें बनता है तो ज्ञापन तो दे देंगे। बहुत छोटा सा काम है, लड़ाई लड़ना बड़ा काम है, और उस लड़ाई में अगर शामिल है तो ज्ञापन तो बहुत गौण विषय है, कभी भी दे देंगे। जोशी जी साथ है, और जब भी यहाँ संघर्ष हुआ सरोज में सभी दलों ने मिलकर जिला बनाने के लिए संघर्ष किया। यहाँ की बड़ी विडम्बना है कि पहले ये क्षेत्र राजस्थान में था लोकसभा सीट में, उसके बाद इस क्षेत्र को विदिशा में मिला दिया गया, उसके बाद इसे गुना में मिला दिया गया, और गुना के बाद पुनः विदिशा में मिलाया, और आज सागर लोकसभा क्षेत्र में इसको मिला दिया गया है। सरपंच के साथ हमेशा दुर्भाग्य रहा है कि इसका उपयोग उपभोग किया है, लेकिन इसके विकास के लिए किसी ने नहीं सोचा। सत्य कहता हूँ कि मुखिया का होना भी इसमें नितांत आवश्यक है। हम मुखिया को विश्वास में लेते, मुखिया को विश्वास में लेके चलते तो हम और अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन कर सकते थे। हमने देखा है कि सरपंच के साथ हमेशा कुठाराघात किया गया है। पहले भी 16 जिले बने, सरपंच का सर्वप्रथम अधिकार है, और सन 1962 से लेकर के आज तक मेरे सभी भाइयों ने और आज भी सभी भाई मांग उठा रहे हैं, और निरंतर मांग चल रही है। और सरपंच को अगर जिला नहीं बनाया जाता तो हम बहुत विशाल रूप से जन आंदोलन करेंगे, जिसकी समस्त जवाबदारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की है। क्षेत्रीय विधायक का भी ये कर्तव्य है। मान लो हमारे यहाँ क्षेत्रीय विधायक जीत गया, जीतने के बाद न वो कांग्रेस के हैं, न बीजेपी के हैं, न कम्युनिस्ट के हैं, वो सभी जनता के हैं, और जनता के हित की आवाज़ उठाना प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है। तो यहाँ पर एक मंच पे शामिल है, और इस बार बता रहा है कि कोई धन नहीं माना जा रहा है, सिर्फ एक मंच है, और सरपंच जिला बनाओ अभियान समिति के साथ है, ताकत से साथ चलेंगे, और मांग कर रहे हैं कि क्षेत्रीय विधायक भी हमारे साथ आए, इस धरने में साथ रहे, सरपंच जिला बनाने में सहयोग करें, ताकि हमारा सरपंच जल्द से जल्द जिला बन सके। और चैनल की अगर आपको खबरें पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें।